बीजेपी चाय वाला चाय बनाना है उसी चाय का दुकान बनाने पड़ेगा मोदी को। पहले चाय बनाएगा वो, रेल बिक्री कर दिया, LIC बिक्री कर दिया, विमान बिक्री कर दिया, और कौन बिक्री कर, वो तो देश बिक्री, पश्चिम बंगला का पूरा बिक्री कर देगा। मोदी जी का भाषण कैसा लगता है आपको? किसका भाषण? मोदी जी का। मोदी जी का भाषण वही तो ठक्कर ठक्कर बोलता है। हाँ, कैसे कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलता है। दीदी कैसे बोलती है? दीदी जो बोलता है गला चिल्ला के बोलता है, गला सिर ऊंचा करके बोलता है। मोदी जी? मोदी जी बोलता है तो ऐसे ऐसे करके बोलता है, उसका दम नहीं है तो दम पूरा। मिथुन दादा का कितना असर होगा दादा? अरे मिथुन दादा तो बहुत भूल किया है, उसको कौन चिंता है, कहाँ है वो? राजनीति में जीरो है, सिनेमा में जीरो, हीरो राजनीति में जीरो होता है। अच्छा, सिनेमा में हीरो, राजनीति में जीरो। जीरो तारकेश्वर में है, और जगह कौन सी है ये तारकेश्वर विधानसभा में? जय कृष्णो बाजार है। जय कृष्णो बाजार। यहाँ पर क्या माहौल है चुनाव का इस बार? ये बहुत बढ़िया चुनाव होगा दीदी, एक बार सब वोट मिलेगा दीदी को, एकदम ममता दीदी को। ममता दीदी क्यों? हाँ हाँ क्यों, यहाँ बता देते हैं जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार चाचा दादा एक मिनट, उम्मीदवार जो है TMC से वो है रामेंदु सिंह राय, और बीजेपी से हैं गुप्ता जी, सपन दास गुप्ता। हाँ, तो क्या माहौल है? सपन दास गुप्ता बाहर का आदमी है, वो आया इलेक्शन में, वो दिल्ली का आदमी है, पूरा दिल्ली कैबिनेट मंत्री का आदमी है, वहाँ हार गया, यहाँ भेजा दिया उसका, वो तो आया और फुर्त करके उड़ के चल जाएगा, वहाँ मिलेगा नहीं। रामेंदु सिंह राय भूमिपुत्र है, यहाँ का आदमी बा, हर टाइम डगले जो कोई तकबीक में पड़ी उसका पास जाने सके हम, और वो मिलेगा कहाँ? वो तो यहाँ का आदमी ही नहीं है, यहाँ का घर नहीं है उसका, इसलिए उसका चिंता नहीं है। और ममता दी 5 माह एक आदमी को 2 किलो चावल फी से रेशन दे रहा है, जो 10 दिन का खुराक है चावल का, तो दिल्ली कुछ नहीं दे रहा, वो तो सिर्फ खरीद कर रहा, रेल बिक्री कर दिया, LIC बिक्री कर दिया, विमान बिक्री कर दिया, और कौन बिक्री कर, वो तो देश बिक्री, पश्चिम बंगला का पूरा बिक्री कर देगा, उसका वोट कौन देगा? अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी का वो ये बात चल जाएगा, बीजेपी चाय वाला चाय बनाना है उसी चाय का दुकान बनाने पड़ेगा मोदी को। पहले चाय बनाएगा वो, ये चारा उसका कोई किस्मत नहीं खेला है। मतलब कहना है कि बीजेपी की सरकार आ गई तो बंगाल बेच देंगे? हाँ, बंगाल तो बिक्री कर रहा है, या का है? विमान भी कर दिया, लाइफ इंश्योर बिक्री कर दिया, रेल का 30 रुपया भाड़ा बना दिया। हाँ। रेल ना उठ सके लोग आदमी का। हाँ। तार किया करेगा वो। हाँ दादा। हाँ, वो बात सही बोल रहा है। हाँ। वो तो रेल बेसरकारी हो गया, हर का है, ये इलेक्शन मिलेगा तो जो बेसरकारी आदमी रेल है वो तो भाषा बनाएगा। खेला होबे? खेला तो होबे, सबूज अभी रे खेला होबे। बीजेपी जो है सब घर चले जाएगा, और जो बीजेपी में घूंढा वो तो ये पता खा रहा से आदमी घूर रहा है, CPN का हाथ बांध, बीजेपी का TMC का, TMC जगह अच्छा है। एक सवाल ये पूछते हैं कि धर्म के नाम पर बटेगा क्या? जिस तरह धर्म, यहाँ धर्म का जरा जय श्री राम बोल रहा था, वही आदमी को पूछो इसका माँ बाप को कोई खाना देता ना का, मोदी जी देता कुछ का खाना, ममता दी सबको खाना देता है, तो कौन भगवान है? जो खाना देगा वही भी भगवान है। नाम क्या हो चाचा? बढ़िया बोल देता। हमारा नाम है तारक घोष। तारक घोष जी? हाँ, पूरा सपोर्ट में है एकदम, एकदम दीदी जो काम कर रहा है उसकी सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ से विधायक हैं आपके TMC से, वो कैसा काम करते हैं? रामेंदु सिंह राय अच्छा लोग है, अच्छा एकदम सात आदमी बा। रात 1 बजे आप फोन करके भैया हमारा कोई दिक्कत हुआ, कोई बीमार हुआ, और तुरंत आ जाएगा घर में। हाँ, वो ऐसा नहीं आदमी बा। अच्छा दादा, ठीक बोला। आपका नाम क्या दादा? हमारा नाम विश्वनाथ है। तो यहाँ विधायक जी बढ़िया है? रामेंदु सिंह राय बढ़िया है। सपन दास गुप्ता बीजेपी वाले उम्मीदवार? कुछ जानता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, जानते नहीं है। सुना है। हाँ। मोदी जी का भाषण कैसा लगता है आपको? किसका भाषण? मोदी जी का। मोदी जी का भाषण वही तो ठक्कर ठक्कर बोलता है। हाँ, कैसे कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलता है। दीदी कैसे बोलती है? दीदी जो बोलता है गला चिल्ला के बोलता है, गला सिर ऊंचा करके बोलता है।
मोदी जी, मोदी जी बोलता है तो ऐसे ऐसे करके बोलता है, उसका दम नहीं है तो दम पूरा। मिथुन दादा का कितना असर होगा दादा? अरे मिथुन दादा तो बहुत भूल किया है, उसको अभी बंगला में उसका सम्मान है लेकिन नहीं रहेगा, क्या करेगा? वो आदमी का है, वो सिनेमा जगत का है, उसको कौन चिंता है, कहा है वो सिनेमा में जीरो, हीरो राजनीति में जीरो होता है। अच्छा, सिनेमा में हीरो, राजनीति में जीरो। जीरो मिथुंदा। तो ये तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, बाजार में हम हैं और इन लोग से बात किए, बुजुर्ग लोगों से हम बात किए कि उनकी क्या राय है इस बार विधानसभा चुनाव में बंगाल में, कि माहौल किसका है, किसके तरफ लोग हैं, खास करके बुजुर्गों की क्या राय है। तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लीजिए पेज को, और शेयर कीजिए वीडियो को और पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, घंटी बजा के चलते हैं। जय भीम, जय भारत।